हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराध्या प्याली और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट या क्रोमा की इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं इन ओपनशॉट वीडियो एडिटर। फ्रेंड्स, आपने फिल्म्स, टीवी और सीरियल्स में ऐसे इफ़ेक्ट देखा होगा जहाँ पे एक्टर्स ग्रीन स्क्रीन के सामने एक्ट कर रहे हैं, फिर वो स्क्रीन बाद में किसी और बैकग्राउंड के साथ बदल दिया जाता है। चलिए आज देखते हैं ये कैसे करते हैं। पहले आप दो मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर ले। एक वीडियो वो होना चाहिए जो आपका बैकग्राउंड होगा और दूसरा एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का वीडियो। इसका बैकग्राउंड हम आज चेंज करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लिए हमें दो ट्रैक्स चाहिए, तो मैंने दो ट्रैक्स रख के बाकी ट्रैक्स को रिमूव कर लिया है। लोअर वाले ट्रैक में हम वो वीडियो ऐड करने वाले हैं जो कि आपका बैकग्राउंड वीडियो होगा। ताकि आपको दोनों ट्रैक्स दिखे, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। और ऊपर वाले ट्रैक में हमारा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो ऐड हो गया है। फ्रेंड्स, इस ऊपर वाली वीडियो का ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए हम सबसे पहले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें क्रोमा की इफेक्ट को ड्रैग करते हुए इस वीडियो पर ड्रॉप करना है। आपको यहाँ पे जो वो छोटा सा सी दिख रहा है, आप उस पे जाएं, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दें। ये देखिए हमारा ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के प्रॉपर्टीज खुल गया है। यहाँ प्रॉपर्टीज में की कलर पे जाएं, उसको डबल क्लिक करें। आप यहाँ से भी ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका होता है पिक स्क्रीन कलर और स्क्रीन में जाके आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ग्रीन कलर सिलेक्ट हो चुका है। अब प्रेस ओके करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि वीडियो का जो ग्रीन स्क्रीन था वो करीब करीब जा चुका है, पर अभी भी बाउंड्रीज में ग्रीन कलर दिख रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो फज लिखा है उसकी वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 5, उसको आप सबसे पहले इंक्रीज करें। आपको ये अंदाज़ा से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप 50 से शुरू करते हैं, 50 करें। फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा रिड्यूस हुआ है पर गया नहीं है। वैल्यू और चेंज करते हैं, 100 लेके आते हैं, 200 करके देखते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक चला गया है। टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इसको 300 का वैल्यू दे रही हूँ। अब मैं इस वैल्यू से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारा जो ग्रीन स्क्रीन और इस पिक्चर के जो बाउंड्रीज में भी जो स्क्रीन ग्रीन का स्क्रीन कलर था वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी नहीं पूरा ही निकल गया है। अब मैं अपने अपर वीडियो को हमारे लोअर वीडियो के साथ रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इफ़ेक्ट कितना ब्यूटीफुल आया है और ग्रीन स्क्रीन जो है वो टोटली रिमूव हो गया है। चलिए एक बार हम प्ले करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा वीडियो का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वीडियो में साउंड नहीं था। मैंने अभी एक प्लेन का साउंड अपने टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लिया है। मैं आपको ये वीडियो इंपोर्ट करके प्ले करके दिखा रही हूँ विथ साउंड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा ये इफ़ेक्ट बहुत कमाल का आया है।
फ्रेंड्स, इस आसान तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, दो वीडियोस को मर्ज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और इस इफेक्ट से आप अपनी वीडियोस में प्रोफेशनल लुक भी ला सकते हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।